वेरिफिकेशन कराई है अपनी इस ऑल्टो 800 सीएनजी में, चलता नहीं है और क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये चारों दरवाजे पे लगेंगे भाई। स्पीकर की वायर है तो कुछ कटने वटने का झंझट नहीं है। यहाँ पे भैया देखो फ्रेम उतार दिया है, क्योंकि भैया का रिक्वायरमेंट है, मेरे को थोड़ा हैवी सीट कवर चाहिए। अच्छी आ रही है और यहाँ पे जो बेस वगैरह है मुझे उम्मीद है कि अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आप ये साउंड सुन सकते हैं। अब बात करी जाए, 1000 रुपए के अराउंड लगी है ये वाली। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ करोल बाग में जाके जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है अपनी इस ऑल्टो 800 सीएनजी में, कितने की कराई है, क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे इस चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो अभी हम भाई दीपक हमें दिखा रहे हैं जो बम्पर गार्ड लगने वाले हैं इसमें, बम्पर प्रोटेक्टर जो बोलते हैं हम, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए भाई, डबल क्रोम लाइन है जो कि काफी अच्छी इसकी लुक को बना रही है यहाँ पे, और जो डिजाइन दिया बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए चारों कोनों पे कुछ इस तरीके से, देखिए चारों कोनों पे आपको पूरा चेकआउट कराऊंगा, भी दिखाएंगे जब हाँ गाड़ी पे लगेगा तब आपको दिखाऊंगा क्या जबरदस्त लुक आने वाली है इसकी। और ये हमारे स्पीकर लगने वाले हैं, और ये हमारे एडिफायर के स्पीकर लगने वाले हैं जो 500 वॉट के हैं, और यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का इसमें दिया हुआ है जो कि गलता वलता नहीं है, और क्वालिटी बड़ी अच्छी है जो यहाँ पे अभी दीपक भाई बता रहे हैं। बाकी लगा के आपको पूरा कन्फर्म करूंगा। अभी दीपक भाई जो कह देते हैं वो क्वालिटी मिलती है हमें। ये चारों तरफ का बिल्डिंग है, ये चारों दरवाजे पे लगेंगे, वहाँ दरवाजे ऑलमोस्ट चार दरवाजे का होगा ये, और ये चारों कोनों का होगा, दीपक प्रोजेक्टर होगा। तो ये हमारे आज लगने वाले हैं, मतलब लुक बन जाएगी आज ऑल्टो की पूरी जब आप देखोगे। ये लो जी, यहाँ पे डोर कवर उतर चुका है अभी गाड़ी का, और यहाँ पे अभी ये स्पीकर लगेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हो भैया? ये वायरिंग आई हुई है। अच्छा, ये स्पीकर की वायरिंग है। ये तो यहाँ पे ये स्पीकर की वायर है तो कुछ कटने वटने का झंझट नहीं है, यहाँ पे सीधे कपलर पे आके अटैच हो जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे बिडिंग भी अप्लाई होनी शुरू हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये चीज जरूर देख ले जब भी ना ये लगे कि यहाँ पे जब दरवाजा खुले तो ये हिट ना करे उसके अंदर। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये अभी यहाँ पे ठीक तरीके से लगी है। तो अभी प्लान जो है आज बेसिकली एक तो बम्पर का है जो गार्ड वगैरह लगने हैं, डोर गार्ड लगना है, इसके अलावा स्पीकर लगना है और वहाँ पे एंड्रॉइड लगना है, रैपिंग करवा लेंगे आज, और दूसरा वहाँ पे सॉकेट लगवा लेंगे 12 वॉट का। इसके अलावा अभी सीट का कोई प्लान नहीं है, और दूसरा इसके अलावा और क्या क्या था हमारा, फ्रेमिंग वगैरह लगेगी जो इनकी लगनी है, मेन आज यही फोकस रहेगा करवाने का। सीट कवर बाद में करवाएंगे, एक अच्छी क्वालिटी की भाई से बात हुई है, सीट कवर लगेंगे इसके अंदर जिसमें कि जो कुशनिंग है वो और अच्छी बनाई जाएगी यहाँ पे ना, और कुशन दे देंगे उसमें, तो फिर सीट कवर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ट्यूजडे तक वो सीट कवर रेडी होंगे, फिर उसको लगवाएंगे और नीचे फ्लोरिंग भी करवाएंगे उसके हिसाब से, बट अभी मैट्स वगैरह बिछवा लेंगे यहाँ पे। तो इसको एकदम चमका देना है, इस ऑल्टो को जबरदस्त बनाना है। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ना, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस करवाने वाला हूँ मैं आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे इस दूसरी साइड में भी रिंग लग गई है, और ये देखो ये बम्पर गार्ड लग गया है, देखो कितना बढ़िया लुक आ रही है इसकी। यहाँ पे जो दो लेयरिंग दे रखी है इसकी, एक पूरी फुल जा रही है एज तक, और एक मिड में छोड़ दी है जो इसकी लुक को काफी अच्छा एनहांस कर रहे हैं। वो दूसरी साइड का भी आप देख सकते हो लग गया है यहाँ पे। बम्पर गार्ड का फायदा तो रहता है, देखो कोई भी चीज है अगर पहले इस पे आगे हिट कर जाएगी इधर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे इस वाले एरिया में। तो बम्पर गार्ड आप लगवाना चाहते हो लगवा लो, कोई ज्यादा मेजर इशू आता नहीं है इनको लगवाने से, पैसों वैसों का छोटा मोटा चलता रहता है, बट इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी महंगी कार लेते हो तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए ये चीजें लगवाना सही रहता है। तो यहाँ पे भैया देखो फ्रेम उतार दिया इन्होंने, फ्रेम उतर के यहाँ पे स्क्रीन लगेगी मेन जो हमारी लगनी है। ये देखिए यहाँ मैंने दिखाया आपको कपड़े लगा दिए हैं, अब यहाँ ये देखिए कंपनी ने ये तार दे रखा है, तो इस तार में अपना जोड़ के और अपना सिस्टम के पास लाके इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि आपका जो स्पीकर है वो वॉइस आवाज में चलेगा। ठीक है, इसको कार छिल भी नहीं रहे। ये ट्रे भी आ गई हमारी बन के, कुछ इस तरीके की ट्रे है देख लो ऑल्टो की, हमने जो बनवाया ना ट्रे, देखिए आपने हर जगह भी ट्रे देखा होगा लगाते हुए, तो क्या करते हैं ट्रे लगा देते हैं, ट्रे आपका पतला होगा, ये देख लो ये ट्रे आपका सिंगल लेयर का होगा,
ये देखो इतना मतलब इतना आधा ही ट्रे को भी देगा आपको, मगर हमने जो ट्रे बनाया है देख सकते हैं कितना मोटा ट्रे है, और इसी के ऊपर हमने ये 2 इंची का रिंग भी इसी के ऊपर लगाया ताकि आपको रिंग का लुक देखिए, आगे से कुछ दिखेगा नहीं। और जगह आपने देखा होगा पीछे ट्रे लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है प्लास्टिक का रिंग लगाता है इतना ऊंचा, उससे क्या होता है बाद में गड्ढा गुड्ढा में जाए तो हिलता है या प्लास्टिक का रिंग टूट भी जाता है, मगर इसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी दबेगा नहीं। यहाँ पे क्वालिटी जो है मोटा मोटा बता दूं दीपक भाई जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी, ये देखिए ना खुद ही आप देखिए एकदम देखने से ही पता चल जाएगा होटल ट्रे के साथ ना बहुत बढ़िया आने वाली है, जो सराउंड साउंड बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा, बेस जो आएगा स्पीकर का जितना भी वो बढ़िया लगेगा इसके साथ। तो यहाँ पे सीट कवर कुछ इस तरीके के होने वाले बट उसमें कुशनिंग अच्छी होने सीट कवर देखिए, सीट कवर जो ये है अपने पास आल्टो का सीट कवर है, प्रॉपर आल्टो लिखा हुआ है। एक अभी मार्केट में क्या होता है कि आपको ये आएगा तो लंबा मुंडी ही जैसे ये होता है, ये फिक्स ही आएगा बट उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, वो होता है I10 यूनिवर्सल, वो ऑलमोस्ट सेंट्रो आल्टो नया वैगनार वो किसी गाड़ी में चढ़ जाएगा ऑलमोस्ट, मगर ये प्रॉपर देख रहे हैं आल्टो का है। बट ये सीट कवर हम भैया गाड़ी में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि भैया का रिक्वायरमेंट है मेरे को थोड़ा हैवी सीट कवर चाहिए और पूरा बकेट सोफा लेदर में चाहिए, तो भैया का रिक्वायरमेंट है तो मैं तैयार करके वो आपको ट्यूजडे को तैयार होना है, आज तो ऑर्डर मिलेंगे तो आज मैं तैयार कर दूंगा, ट्यूजडे को लगेगा उसमें फर्श मैटिंग और सीट कवर, तो उसको भी दिखाने वाला हूँ इसी गाड़ी में आल्टो में। जो अपना सीट कवर जो है ना स्टार्टिंग दे सकते हैं, ये देखिए अपना स्टार्टिंग बहुत बढ़िया सीट कवर आपको आएगा, डिजाइन भी एक पे एक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं ये साइड का इमोजिंग डिजाइन आता है देखिए आल्टो का बढ़िया, देखो डिजाइन बढ़िया रखा है आल्टो का ना। और मेरे पास मैं बताऊं तो मेरे पास ओनली 1500 रुपए सीट कवर स्टार्टिंग है, 1500 रुपए पूरे गाड़ी का सीट कवर, और क्या चाहिए स्टार्टिंग रेंज, इतनी बढ़िया स्टार्टिंग रेंज मिल रही है। तो वही यहाँ पे देखिए स्पीकर लग चुके हैं और क्वालिटी जो है स्पीकर की जब चला के देखेंगे तब देखना, बाकी यहाँ पे ये फिनिश अच्छी आ रही है और यहाँ पे जो बेस वगैरह है मुझे उम्मीद है कि अच्छी आएगी जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको चला के भी दिखाएंगे इसका। तो भाई ये उतार रहे हैं अभी तभी लुक आएगी, इसके लिए चिपक जाती है और फिर टाइम के साथ ना करती नहीं है प्रॉपर वे में। तो भाई साइड लुक देखो, यहाँ पे डोर वाइजर भी लग चुके हैं, बेडिंग भी लग चुकी है, बम्पर गार्ड भी लग चुके हैं फ्रंट और रियर के, और स्पीकर लग चुके हैं, अभी एंड्रॉइड लगना बाकी है, मतलब फिटिंग होनी बाकी है उसकी, और सेंट्रल लॉकिंग भी चल रहा है काम अभी, ये यहाँ पे पंच हो रहा है अभी फिलहाल ना इस तरीके से, तो कोई कटिंग नहीं हो रही है, पंचिंग करके उससे कनेक्ट कर दिया है मेन वायर हार्नेस से। यहाँ पे हमारा अलार्म लगा दिया भाई ने, देखिए माउंटिंग यहीं पे कर दिया है, जो ऑलरेडी यहाँ पे होता था तो यहीं पे माउंट कर दिया बेसिकली, तो कहीं पे कोई भी होल वोल करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे सही अपना ये काम हो गया एकदम फाइन। तो गाइज यहाँ पे आप काम देख सकते हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको बता देता हूँ क्या क्या करवाया, जो साइड बीडिंग है वो लगवाई है, डोर वाइजर लगवाया बाहर की तरफ, तो फॉग लैंप वगैरह मैंने अभी नहीं लगवाए हैं, बाद में लगवाऊंगा, और यहाँ पे ये बम्पर गार्निश लगाई है जो कि क्रोम प्लेटिंग के साथ दी गई है, तो अभी फिलहाल आउटर में यही काम कराया गया। जो ये मड फ्लैप हैं ये मैंने कंपनी से लगवाए थे, क्योंकि होता क्या प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मड फ्लैप में, तो मैंने इसलिए ये बाहर से ना लगवा के मैंने ये कंपनी से लगवाए हैं, और यहाँ पे रियर बम्पर में भी मैंने यहाँ पे ये गार्निश लगवा दिए हैं। इसके अलावा कोई स्पॉलर और कोई रूफ रेल मैंने यहाँ पे नहीं लगवाई है, थोड़ा सा ओवर लगने लगता है ऑल्टो के अंदर। चलिए अब अंदर चल के दिखाता हूँ आपको इसके अलावा और क्या क्या हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बकेट सीट लगवाई है, कलर आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ, यहाँ पे मैंने बीच कलर का यहाँ पे स्टिचिंग है, और बीच में यहाँ पे एक जो शेड है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पार्टीशन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी लग रहा है इस ऑल्टो के अंदर, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बीच कलर में ही मैंने यहाँ पे पॉलिस्ट्री है, लेदर पॉलिस्ट्री है ये, उसको लगवाया स्टेयरिंग में रैप जो कराया, और यहाँ पे जो 5D मैट है वो लगवाया, और नीचे की तरफ फ्लोरिंग करवा दी है, तो यहाँ पे कार हमेशा आपकी साफ सुथरी रहेगी इस सिचुएशन में। चलिए अब अंदर बैठ के और आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हमने एंड्रॉयड डिस्प्ले लगवाया है जो कि काफी बढ़िया शानदार इसकी आवाज है, आपको अभी आवाज भी इसकी सुनवा देते हैं, थोड़ा सा इंतजार। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये कुछ इसका डिस्प्ले इस तरीके से मिलेगा, अभी मैंने हॉटस्पॉट इसमें लगवाया हुआ है, तो यहाँ पे अभी देखिए खुद ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे चलिए आपको यूट्यूब पे अभी इसका साउंड सुनवाते हैं, क्योंकि स्पीकर मैंने यहाँ पे भी लगवाया, दोनों साइड फ्रंट में स्पीकर है और बैक में यहाँ पे जो रियर पार्सल ट्रे है उसमें भी स्पीकर लगवाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई गाना चलाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो आपको म्यूजिक हम NCS का सुनवाते हैं यहाँ पे सिचुएशन में, थोड़ा यहाँ पे कॉपीराइट से भी बचना है भाई।
तो ये लीजिए, ये यहाँ पे गाने चल रहे थे। ये इंटरनेट अपने आप कनेक्ट हो जाता है हॉटस्पॉट से, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आता है जब आप कहीं पे भी रोक के खड़े हुए हैं। तो मैं ये प्रेफर करूंगा ड्राइव करते हुए कभी ना चलाएं यूट्यूब को गाने सुनने, आप gaana.com भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीक, तो यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये साउंड सुन सकते हैं, मुझे बेस ज्यादा पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप ये बेस के ऑप्शन भी ले सकते हैं, मैंने उसी तरीके से सेटिंग करी हुई है इसमें। So guys, कुछ इस तरीके का साउंड है, आपको कैसा लगा वो भी बता देना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट लगा दिया, उसमें केबल्स वगैरह है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज करी है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, ये हमने डस्टबिन यहाँ पे प्लेस कर दिया, बच्चे रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये कप के लिए दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है ये डस्टबिन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऑल्टो के अंदर जो सेटिंग वगैरह का है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सेंटर लॉकिंग भी कराई है, आपको दिखा देता हूँ सेंटर लॉकिंग किस तरीके की मिलती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे की मिलेगी आपको आरडी की, ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे आरडी की मिलेगी आपको 5500 रुपए में, ये सेंटर लॉकिंग लग जाती है। और इसके अलावा जो एंड्रॉयड डिस्प्ले है वो आपका लगा है करीब करीब, एंड्रॉयड डिस्प्ले करीब 6500 का लगा है। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और कई सारी ब्रांड मिल जाती हैं, बेसिकली ये चाइनीज ब्रांड ही है, यहाँ पे इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाती हैं। स्पीकर जो मेरे लगे हैं करीब करीब ये 2500 के लगे हैं, फ्रंट के जो स्पीकर हैं वो 500 का पेयर है, और जो पीछे के दोनों स्पीकर लगे हैं वो हैं हमारे करीब करीब 2000 का पेयर, और जो रियर पार्सल ट्रे लगी है यहाँ पे वो आपकी लगी है अगर बात करी जाए 1000 रुपए के अराउंड लगी है ये वाली। जो सेंटर लॉकिंग हुई है वो आपकी ऑटोमेटिक है, जैसी सेंसर्स इसके अंदर लगे हैं, गन इसके अंदर लगी है, तो ये 5500 रुपए की लगी है। और जब आप 20 अबव स्पीड पे जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपके डोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ड्राइव नहीं कर रहा बट आपको डेमो करके दिखा दिया यहाँ पे। और जो रियर पार्सल ट्रे लगी है वो करीब 1000 रुपीज की लगी है। रैपिंग जो हुई है वो हुई है करीब करीब वो भी अराउंड 750 के हुई है। तो ये प्राइस रेंज वेरी करती है किस तरीके का आपको काम करवाना है। तो कुछ ये मैंने काम कराया था और आपको दिखा दिया किस तरीके की मैंने चीजें। और जो ये मैट्स हैं ये आपके 950 रुपीज के लग जाएंगे। और बकेट सीट्स जो ये इस फैब्रिक की, सॉरी इस लेदर पॉलिस्ट्री की लगती है, वो करीब करीब मुझे पड़ा है 5500 की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी अच्छा काम हुआ है कार के अंदर, और आगे भी इसका रिव्यू देता रहूंगा। और आपको अगर ये काम करवाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके कुछ इस तरीके का काम अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। प्राइस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। सब्सक्राइब करें स्पीड 16 चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।